नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो मैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से ताज़ी आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएँ कुछ इस प्रकार से हैं। पहली सूचना है, राजकीय महाविद्यालयों में लिपिक के 21 पदों पर होगी भर्ती। ये 21 पद खाली हैं और राजकीय महाविद्यालयों की बात यानी GIC जो डिग्री कॉलेज हैं उनकी बात की जा रही है और उनमें जो है 21 पद लिपिक के खाली हैं। आप सभी जानते हैं कि माध्यमिक में भी लिपिक की बात हुई थी भर्ती को लेकर के, साथ ही साथ ये 21 पद आपके महाविद्यालय में हैं। वहीं राजकीय हाई स्कूल में भी प्रधानाध्यापकों के 286 पद खाली हैं। आपको बता दें कि इन सारे पदों पर भर्ती आगामी कुछ ही दिनों में आने वाली है, क्योंकि प्रदेश सरकार इस पर एक ठोस कदम उठाने जा रही है। हर परिवार को रोज़गार देने वाली बात से वैकेंसियों का जो इंतज़ार है वो लगातार छात्र कर रहे हैं। और जैसा कि आंकड़ा भी प्रस्तुत किया गया था आप लोगों के समकक्ष की लगभग 89% जो बेरोज़गारी है वह आपके प्रयागराज में है और अदर जगह की भी आंकड़े आपको प्रस्तुत किए गए थे, तो कुल मिलाकर के बेरोज़गारी चरम सीमा पे है। इस वजह पे रोज़गार का सृजन होना या नई वैकेंसी आना अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही सार्थक होगा और उनकी यह परेशानी दूर हो सकेगी। मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश की जो तारीख है 15 सितंबर बढ़ा के कर दी गई। राष्ट्रीय टंडन मुक्त से जो कोई भी डिग्री आप अभ्यर्थीगण लेना चाहते हैं तो अब 15 सितंबर तक इस पर आवेदन कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हो रही है। हालांकि ऐसा छात्रों की मांग पर किया गया है, इससे पहले लास्ट डेट होने वाली थी 30 तारीख में ही, किंतु छात्रों की मांग पर 15 दिन के लिए यह फिर से बढ़ा दी गई है। भर्तियों पर जोर, हाथ पर हाथ धरे बैठा चयन बोर्ड। वहीं जहां रोज़गार को लेकर के प्रदेश सरकार कुछ एक्टिव हुई है और रोज़गार की बात कर रही है, वहीं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 10 सदस्य हैं जो कि अभी चयनित नहीं हो सके हैं। हालांकि आवेदन वगैरह इनसे मंगवा करके प्रक्रिया अग्रसर है, किंतु उनके अंतिम चयन न होने की स्थिति में न ही कोई रिजल्ट जारी हो पा रहा है और न ही जो वैकेंसी की फॉर्म भराए गए हैं उसके एग्ज़ाम की कोई डेट ये लोग निर्धारित कर पा रहे हैं। तो एक बड़ी समस्या बनी हुई है। हालांकि अभ्यर्थी इस पर लगातार मांग कर रहे हैं कोई डेट जो है फिक्स हो जाए एग्ज़ाम की, किंतु जब तक चयन अपने सदस्यों को पूरा नहीं कर लेता तब तक इस पर कोई बात करना नहीं चाह रहा है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के 881 पदों के लिए आए लगभग 90,159 आवेदन। आवेदन की प्रक्रिया पूरी, आगे की तैयारी उच्च शिक्षा सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के आसास की सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 981 रिक्त पदों के सापेक्ष 90,159 अभ्यर्थियों के आवेदन आए हुए हैं। तो इस तरह से आवेदन की संख्या काफ़ी है और पदों की संख्या कम है, जिसको देखते हुए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप अच्छे से तैयारी करें और यही है सच्चाई मित्रों की। आज के समय में रोज़गार को लेकर के बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, रोज़गार कम है और बहुत बेरोज़गारी है, जिसको लेकर के बार बार अभ्यर्थी परेशान होते रहते हैं। 6 साल में पूरी नहीं हो पाए रिकॉर्ड बदलने की जाँच, 2016 का यह मामला है और UP बोर्ड से संबंधित, जिसमें कि रिकॉर्ड बदलने को लेकर के बाबुओं पे कुछ कार्रवाई चल रही थी और उसकी जांच चल रही थी। 6 साल होने को आए किंतु अभी तक यह जांच पूरी नहीं हो पाई, यही हमारे देश का दुर्भाग्य है और हम आपका भी। देखिए, प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए यूपी बोर्ड के मूल रिकॉर्ड बदलने की जाँच 6 साल पूरी नहीं हो सकी। अब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। यूपी बोर्ड के फर्स्ट अबाबुओं ने बदल दिए थे मूल रिकॉर्ड, राजकीय स्कूलों की शिक्षक भर्ती में हुआ था खेल। तो आप सभी जान सके हैं तमाम तरह के फर्जीवाड़े होते हैं, उसमें से एक भी ये भी पकड़ा गया था, किंतु इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब